ये सारा प्लेट उठा लो, कस्टमर आ रहे हैं। भाई दो प्लेट इडली। दो प्लेट इडली। दो ऑमलेट खाएगा ना? कुछ भी चलेगा भाई। दो ऑमलेट। अंडा एकदम ताजा है ना? सुना है सड़ा हुआ अंडा खिला रहे, एरिया में बहुत चर्चा हो रही है। हाँ बोलेंगे बोलेंगे, पहले बैठो। बैठ बैठो। अरे दो ना, जल्दी दो। ए भाई तू फील कर, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। इसको खाकर ताकत बना, फिर फील करना भाई। ले पकड़। इसीलिए बोलते हैं प्यार नहीं करना चाहिए, अगर प्यार करने का माने तो शादी के बाद करने का, दूसरे की नहीं, अपनी बीबी को। फिर प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉस। है? आएगी बॉस, प्रॉब्लम आएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बॉस, जिससे प्यार करेंगे उससे शादी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरे लोगों से प्यार करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अपने दोस्त के बारे में बताया था ना, यही है मेरा दोस्त। हाय ब्रो। कुछ खाया क्या? होल खाना खा कर आया हूँ। बाप रे खर्चा बचा रहा है। ठीक है भाई, टाइम हो गया, कल मैनेजर से नौकरी की बात करके आया हूँ, 10 बजे बुलाया है, तुरंत जाना होगा। अरे यार फिर तो जल्दी कर, टाइम हो गया है। ये ले बाइक की चाबी, आराम से चलाना। ऑल द बेस्ट यार। थैंक्स यार। नौकरी मिलते ही फोन करना मुझे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है भाई, चलता हूँ। हाँ, जाओ यार। कॉल करता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। May I come in, sir? आइए विजय, बैठिए। थैंक यू। हेलो सर। हाय। सर मैंने बताया था ना नौकरी के लिए, ये मेरा फ्रेंड है। ओके, व्हाट्स योर नेम? अलगु सुरेश। पढ़ाई कितनी की है? BA सिविल इंजीनियरिंग, 17 पास आउट सर। आपका सर्टिफिकेट और आपका ID, एड्रेस प्रूफ वगैरह सब नीचे रिसेप्शन पे दे दीजिए। सर मेरा सर्टिफिकेट जब चेन्नई से आ रहा था तब मिस हो गया। विजय देखो ये क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट के बिना कैसे? मेरा फ्रेंड है सर, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ ना। ओके विजय, आप अपना डिटेल वगैरह सब नीचे रिसेप्शन पे दे देना, कल से आकर ज्वाइन कर लेना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ओके। हाय अंकल। हाँ मदन, कंपनी कैसी चल रही है? एवरीथिंग इज फाइन अंकल। एक्चुअली मैं अभी गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया हूँ, मेरे आने तक कंपनी को अच्छे से संभालना। ओके, मैं देख लेता हूँ अंकल। ओके, SSN प्रोजेक्ट का क्या हुआ? प्रोसेस में अंकल। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। या, आई नो अंकल। उसे हर हाल में ओके करना है। ओके, कर लेंगे अंकल, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। हाउ इज प्रिया? इज शी नॉर्मल? वो वैसी ही है। आइए मैडम, बोलिए। सर 3 दिन पहले मेरा फोन खो गया था और मुझे उसी नंबर का सिम चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है सर। कौन सा नेटवर्क? जियो। नंबर बताइए। ओके, 9696000030। 10 मिनट वेट कीजिए, रेडी हो जाएगा। ओके मैडम, सिम रेडी हो गया, मोबाइल में इंसर्ट कर दीजिए, 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक्स, इसे पकड़ो, अलगू का कॉल आएगा। अब तो तुम खुश हो ना? अलगू? क्या अलगू, मैं गायत्री बोल रही हूँ। प्रिया बोलो। प्रिया क्या हो गया है तुम्हें? मैं 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, फोन स्विच ऑफ है तुम्हारा। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, जब से कैंप से घर आई हूँ, सरप्राइज देने के लिए पापा ने मेरी एंगेजमेंट तय कर दी है। हाय डैड। अरे प्रिया आओ बेटी। कैंप अच्छे से हो गया? हाँ, ना खत्म हो गया। हाँ। कोई फंक्शन है क्या? अंदर तुम्हारे लिए सरप्राइज है। चलो बेटी अंदर, प्लीज कम आओ।
हाँ, आ जाओ बेटी। पापा, हाँ? मुझे बात करनी है। ये सब क्या है? आपको एक बार बात करनी चाहिए थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या प्रिया, फोन पर तो तुमने कहा था योर चॉइस डैड, इसीलिए सारा इंतजाम किया है मैंने। आप ऐसा कुछ करेंगे मुझे नहीं पता था। आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। ये क्या कह रही हो प्रिया? मैंने सारा अरेंजमेंट किया है, अब अचानक ना बोलोगी तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरी मान मर्यादा का क्या होगा? देखो बेटी, अब शादी नहीं रुक सकती। शाम को सगाई होगी और सुबह शादी। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता प्रिया, आई एम हेल्पलेस नाउ। डैड देखिए, मुझे भी शादी नहीं करनी है। मैं अलगू से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। जब ये बात मैं पापा से कर रही थी तो जो लड़का मुझे देखने आया था उसने सब सुन लिया और वो गुस्से में चिल्लाकर चला गया, और उसके पापा भी मेरे पापा के ऊपर चिल्लाकर गुस्से से चले गए। इस बात को मैं अलगू को बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने उसको फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मैंने अलगू की माँ को कॉल किया। उन्होंने बताया कि अलगू चेन्नई चला गया है। पर थोड़ी देर के बाद घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। भागकर जाकर देखा तो उस लड़के ने सुसाइड कर ली थी। इसी बीच मेरा फोन कैसे मिस हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर पुलिस आई और बहुत सी इंक्वायरी हुई। सारे फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद मैं और पापा गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, अब क्या करने वाली हो तुम? ओके छोड़ो, तुम टेंशन मत लो। अलकू का नंबर मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, तुम उसे तुरंत कॉल करके बात कर लेना, ठीक है? ओके। प्रिया बेटा, खाना खा लो ना। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। ए, तुम तो खाओ। प्रिया दीदी नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। प्रिया दीदी खाना खाओ ना, खाना खाओ ना। ए, दीदी कृति, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? कितनी बार कहा है तबीयत खराब है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना दो थप्पड़ मारती। खाना खाओ। ए, बस करो, क्यों डांट रही हो इसे? तुम खाना खा लो। हाँ बस हो गया। ठीक है। खाओ ना बेटा। मेरा पेट भर गया और नहीं खाना। चलो। प्रिया, प्रिया। क्या है पापा? खाना खाओ बेटी। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस चली जाओ बेटी, थोड़ा अच्छा लगेगा। जाने का मन नहीं है, ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता। अब उसका नाम क्या है बेटी? अलगू पापा। अलगू, अभी तुम्हें उससे शादी करनी है, इतना ही ना? मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए बेटी। उसको यहाँ बुलाओ। पापा, उसका फोन नहीं लग रहा है, मैं उसके गांव जाकर आऊं? ठीक है बेटी, जाकर आओ। थैंक्स पापा। लव यू पापा। जाकर आओ।